एवरी वन अ वेरी वॉम वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरी वन सो ग्रामर फाउंडेशन सीरीज जो इस चैनल पे हम चला रहे हैं आज एक नया टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं और आज का टॉपिक है वर्ब और टेंस राइट सो हाई लेट्स गेट स्टार्टेड एक बार कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिए इज एवरीथिंग ऑल राइट इज दफ द ट्रांसमिशन इज गुड ऑडियो वीडियो सब कुछ ठीक ठाक अभिलाष खुशी गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन सो नमस्कार वेलकम स्वागतम सो विद योर परमिशन कैन वी स्टार्ट द सेशन आई आज थोड़ा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे काम करेंगे हम देखो वो जो चैप्टर है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और बहुत ही पिवटल चैप्टर है क्योंकि अगर बाकी के पार्ट्स ऑफ स्पीच की फंक्शनैलिटी देखें तो इसके साथ सीधा कनेक्शन आपको मिलता है आप को वर्ब का कनेक्शन जो है वो नाउन और प्रोनाउन के साथ मिलेगा बिकॉज नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग वर्ब होना चाहिए फिर आप बात करो अगर एडजेक्टिव की अभी जो पीछे हम एडजेक्टिव एड वर्ब का सेशन हमने समाप्त किया है यहाँ पे तो एडजेक्टिव का भी रोल वर्ब के साथ कनेक्टेड है बिकॉज वर्ब का एक टाइप जिसे हम स्टेटिव वर्ब कहते हैं Uh, उनको डिस्क्राइब करने का काम एडजेक्टिव करता है तो कनेक्शन आपको एडजेक्टिव के साथ भी मिलता है फिर एडवोब के साथ तो खैर सीधा कनेक्शन है बिकॉज एडवोब इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ अ वर्ब एन अनदर एडवर्ब एज वेल वो भी है बट वर्ब को डिस्क्राइब करने का काम एडवर्ब करेगा अगेन अगर आपको वर्ब की समझ है तो ही टेंस की समझ ढंग से होती है और फिर आपको टेंस में कुछ रटने की कोई ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती बिकॉज टेंस कौन सा है ये डिसाइड वर्ब कर रहा होता है और वर्ब और टेंस की अगर समझ है तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर की समझ आपकी काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती है इवन हमारे दो टॉपिक और जो वॉयस और नरेशन है जो अगेन सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिए काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल होते हैं बिकॉज कब कोई बात हमें एक्टिव वॉइस में कहनी चाहिए कब पैसिव वॉयस में कहनी चाहिए ये भी समझ आपको डेवलप हो जाती है बिकॉज इट्स नॉट लाइक कि भाई बैंकिंग एग्जाम्स के अंदर के ऊपर क्वेश्चन मिलते में लिखना चाहिए कब पैसे में लिखना चाहिए बिकॉज आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर तो करना ही है जब आप डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की तरफ जाते हो यू हैव टू राइट सेंटेंसेस राइट तो कहने का क्या मतलब है कि इस चैप्टर की समझ से इसीलिए मॉडिफायर्स के बाद मैंने वर्ब और टेंस को चूज किया है सो so दैट किसकी अंडरस्टैंडिंग आपको सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बेहतर करने में मदद करेगी सो आइए लेट्स गेट स्टार्टेड देखो अगर हम वर्ब की बात करें बिल्कुल डेफिनेशन से शुरू करते हैं मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट इज वर्ब हाउ डू यू डिफाइन दिस सो एक बहुत कॉमन सी डेफिनेशन निकल के आती है कि वर्ब इज एन एक्शन वर्ड राइट वर्ब इज एन एक्शन वर्ड डेफिनेटली देर इज नो डिनाइल इस बात से कोई भी इनकार नहीं है कि वो एक्शन वर्ड नहीं है लेकिन क्या वर्ब के जितने सारे फीचर हैं वो हम एक्शन वर्ड के जरिए ही बता सकते हैं क्या क्या वर्ब के जितने तरह के यूसेज हैं वो सिर्फ इस एक्शन वर्ड वाली बात के अंदर अकोमोडेट होंगे नहीं वो अकोमोडेट नहीं होंगे फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई अगर आपको ये बोल रहा है कि यू आर इंटेलिजेंट राइट या किसी ने कहा शी इज ब्यूटिफुल ऑनेस्ट तो आप क्या देख रहे हो

एक ले मैन के में अगर हम बात करें तो कहेगा की कैटेगरी का ही शब्द है ये तो क्या यहां इसका मतलब एक एक्शन वर्ड जो है वो आ, दिखा नहीं सकता तो इसका एक और जो रोल निकल के आता है वो किसका है वो आपको स्टेट की भी जानकारी देता है जो, जो इंसान है जो सामान है वो किस हालात में है किस अवस्था में है उसकी भी इंफॉर्मेशन कौन देता है वो अब देता है अभी देखेंगे कौन से वर्ब देते हैं कब देते हैं और एक और फंक्शन निकल के आता है जिसको हम बोलते हैं वर्ब ऑफ पजिशन और वो हो जाता है क्या वर्ब ऑफ पोजिशन क्या है क्योंकि यह भी बड़ा कंफ्यूजिंग एरिया है अब एक एक करके जरा इनको समझने की कोशिश करते हैं जब हम एक्शन वर्ड आप कहीं भी पढ़ रहे हो सो वी आर टॉकिंग अबाउट द मेन वर्ब एक्चुअली मेन वर्ब जिसकी तीनों फॉर्म्स होती हैं आप जानते हैं प्रेजेंट फॉर्म पास्ट पास्ट फॉर्म पार्टिसिपल जिसको फर्स्ट पार्टिसकेंड एंड थर्ड फॉर्म आप बोलते हो तो आप कोई भी वर्ब अगर लेते हो लाइक राइट रोट रिटर्न वर्ब ये एक्शन वर्ब है या आपने कहा गो वेंट गॉन ये एक्शन वर्ब है ठीक है एक्शन वर्ड बोल सकते हो आप तो जो मेन वर्ब्स होते हैं वो एक्चुअली एक्शन वर्ड होते हैं राइट right? अब अगर मैं एक सिंपल सा सेंटेंस यहां पे लिखूं आपके लिए सपोज सेंटेंस इज ही इज ही इज हैप्पी ही इज हैप्पी सेकेंड सेंटेंस इज ही इज लीडिंग ही इज लीडिंग दिस प्रोजेक्ट लेट्स से

अब आप यहां पे अगर देखें तो इज हैप्पी के अंदर ये हेल्पिंग वर्ब नहीं कहा जाएगा इसको हम कह देते हैं स्टेटिव वर्ब लिंकिंग वर्ब स्टेटिव वर्ब ये इसका नाम है क्योंकि ये एक्चुअली ही का स्टेट बताने में आपको मदद कर रहा है वो खुश है ही इज हैप्पी इस बात की इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है वो इस देने में हेल्प कर रहा है तो इज के बाद कोई मेन वर्ब जब नहीं है तब हम इसको हेल्पिंग वर्ब नहीं बोल सकते दिस इज कॉल्ड स्टेटिव वर्ब बिकॉज इट इज टॉकिंग अबाउट द स्टेट ऑफ द बींग ही दैट इन वॉट काइंड ऑफ कंडीशन ही इज बट इफ यू लुक एट द सेकेंड सेंटेंस वॉट यू फाइंड ओवर हियर लीडिंग इज द मेन वर्ब आउट हियर ये मेन वर्ब है और इज उसके पहले आकर के हेल्प कर रहा है तब हम इसे क्या कहेंगे हेल्पिंग वर्ब कहेंगे और किस में हेल्प कर रहा है ये हेल्पिंग वर्ब किस चीज में हेल्प कर रहा है पहले आकर के टेंस को डिसाइड करने में टेंस को डिसाइड करने में क्योंकि अगर इसी इस की जगह पे हमने वॉज लगा दिया प्रोजेक्ट तो यहां पर टेंस बदल जाएगा मेन वर्ब इज स्टिल द सेम दैट इज लीडिंग ओनली बट द चेंज इन हेल्पिंग वर्ब एक्चुअली डिसाइड्स द टेंस राइट कि वो किस टेंस में आप स्विच कर गए हो तो ये फंक्शन है तो अब आपको बात समझ में आ गई कि एक्शन वर्ड तो हम किसी भी मेन वर्ब को एक्शन वर्ड बोल सकते हैं स्टेट ऑफ बीइंग की जब आप बात करेंगे तो यहां पे हमारे पास आ जाता है बी फॉर्म का वर्ब बी का मतलब होना होता है और इसके अंदर कौन कौन से वर्ब हैं हमारे पास इज है इज एम आर वाज वर ये बी से ही निकलते हैं और थर्ड फॉर्म हो जाती है बीन तो ये हमारे पास जो है ये क्या है दे विल बी कॉल्ड ये कहे जाते हैं अगर हम इनकी बात करें तो इन्हें आप क्या कहोगे ये कहे जाएंगे स्टेटिव वर्ब जब इनके बाद कोई मेन वर्ब नहीं है इस बात का आप ध्यान रखेंगे इनको आप हेल्पिंग वर्ब तब कह सकते हैं जब इनके बाद कोई मेन वर्ब हो तो एक क्लैरिटी आपको यहां पे मिल गई अभी हम बिल्कुल डेफिनेशनल फंक्शन पे बात कर रहे हैं और जब वर्ब ऑफ पोजिशन की बात होती है नाम से ही पता लग रहा है जो रखने की बात आपको बताए तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाता है यहां पे आ जाता है मार्कर के कलर चेंज करने पड़ेंगे बार बार हा? सो दैट की कंफ्यूजन आपको ना हो देखिए हैज या हैव ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई पजिशन के लिए हैड वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो जाती है और हैड ही वर्ब की थर्ड फॉर्म है अब यहां पे कंफ्यूजन और आती है इन वर्ब्स के अंदर भी हेल्पिंग वर्ब होने की क्वालिटी होती है और सबको पता है कि अगर मैं बात करूं आपसे कि व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट बचपन से आप पढ़ रहे हो हैज एंड हैव आर हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ब वर्ब ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट और हैड जो है है वो पास्ट परफेक्ट की लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब होने के साथ साथ वर्ब ऑफ पजिशन का भी काम करते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर हम मैं यहां पर सेंटेंस लिखूं कि आई हैव आई हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव आई हैव अ कॉम्प्रेहेंसिव बुक ऑन एस्ट्रोफिजिक्स लेट से आई हैव अम्प्रेहेंसिव बुक ऑन एस्ट्रोफिजिक्स सो वट काइंड रोल दिस है कैन बी कॉल दिस वर्ब हेल्पिंग वर्ब डेफिनेटली नॉट बिकॉज इसके बाद कोई मेन वर्ब नहीं है तो यहां पर यह काम किसका कर रहा है यहां पर यह काम कर रहा है वर्ब ऑफ पोजिशन का यानी किसी चीज के रखने के लिए उसकी मालिकियत के लिए आपके पास वो चीज है आप उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि मेरे पास एस्ट्रोफिजिक्स पे कॉम्प्रिहेंसिव बुक है बट इसी सेंटेंस को अगर हम चेंज कर दें थोड़ा सा और लिखें आई हैव आई हैव बॉट आई हैव बॉट अ कॉम्प्रिहेंसिव बुक आई हैव बॉट अ कॉम्प्रिहेंसिव बुक ऑन एस्ट्रोफिजिक्स लिस्ट से राइट right. सो so, यहां पे अगर मैं अब आपसे पूछूं कि व्हाट इज द ग्रामेटिकल प्रोफाइल ऑफ हैव नाउ दिस हैव विल बी कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब बिकॉज़ अगेन इट इज हेल्पिंग आउट द मेन वर्ब बॉट ओवर हियर जो कि थर्ड फॉर्म है और प्रेजेंट परफेक्ट का ये सेंटेंस हो गया तो अब आपको डेफिनेशनल लेवल पे एक बेसिक क्लैरिटी आ गई है कि जब हम कहते हैं कि वर्ब इज नथिंग बट एन एक्शन वर्ड या क्रिया का शब्द जो भी हो वर्ब है तो अब हैज और हेब है में यहां कोई क्रिया एट सच नहीं हो रही ये किसी चीज को पजेस करने के लिए इस्तेमाल होता है राइट सो इसीलिए हम इसको अलग कैटेगरी में हमने इसे रख दिया और साथ ही साथ जब हम स्टेटिव वर्ब की बात कर रहे हैं तो वो भी एक तरह के हेल्पिंग वर्ब हैं लेकिन साथ साथ वो किसी का स्टेट बताने में भी आपको मदद करते हैं तो वो अकेले स्टेटिव वर्ब कहे जाएंगे या लिंकिंग वर्ब्स दोनों नाम कई बार इंटरचेंजेबली इस्तेमाल हो जाता है इस एम आर की जब हम बात कर रहे थे राइट तो ये अकेले में

कई बार ऐसी कंफ्यूजन आपको होती है और आप उसके बारे में बात नहीं कर पाते सपोज जब आप किसी से मुलाकात करते हो और कोई आपसे हालचाल पूछता है क्या पूछता है वो हाउ आर यू अब अगेन अगर यहां पूछा जाए आर किस तरह का वर्ब है तो मुझे नहीं लगता कि बताने में कोई दिक्कत होगी या कोई कंफ्यूजन होगी आपको आप कोई रटा हुआ ज्ञान याद करने की कोशिश करोगे दैट इज स्टेटिव वर्ब दैट इज स्टेटिव वर्ब बट व्हेन समवन आस्क यू लाइक दिस हाउ हैव यू बीन

सपोज uh, कोई न्यू कमर की बात कर लें या चलो ऐसे ही ले लेते हैं मान ली मैंने सेंटेंस लिखा यहां पे आयुष्मान आयुष्मान इज अ गुड एक्टर राइट आयुष्मान इज अ गुड एक्टर एंड फिर मैं लिखूं अमिताभ बच्चन हैज बीन अ गुड आक्टर वी हैव टू सेंटेंसेज व्हाट्स द डिफरेंस ऑवर हेयर व्हाट्स द डिफरेंस ऑवर हेयर अब अगर आपने वर्ब और टेंस की चीजों को रटा है तो मन में कई बार ये सवाल पैदा होता है कि यार बचपन में तो हमने पढ़ा थाज बीन के बाद वर्ब में आईएनजी लग रहा होता है वो दो घंटे से पढ़ रहा हैजीन स्टडिंग फॉर द लास्ट टू आवर्स ए वो मॉर्निंग से गाना गा रही है शी बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग यहाँ पे ये यह कौन सी अंग्रेजी है जहाँ पे आप बीन के बाद कोई मेन वर्ब नहीं देख रहे तो ये क्लैरिटी आपको रखनी है कि हम इज एम आर वॉज वर्क का इस्तेमाल डेफिनेटली uh, कर सकते हैं स्टेटिव वर्ब के तौर पे हैज बीन और बीन का भी इस्तेमाल अगर इसके बाद मेन वर्ब नहीं आ रहा आप थोड़ा ध्यान दें यहाँ पे, इसके बाद कोई मेन वर्ब नहीं है Has been के बाद कोई मेन वर्ब नहीं है ये दोनों के दोनों स्टेटिव वर्ब के तौर पे काम कर रहे हैं ये हेल्पिंग वर्ब नहीं कहे जाएंगे और जब भी आप किसी भी नाउन का प्रोनाउन का स्टेट बता रहे हैं तो वो बताने का कौन काम करता है वो एडजेक्टिव करता है एवरीबडी इज अवेयर ऑफ दैट कि एडजेक्टिव का, का काम क्या है नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करना इसीलिए स्टेटिव वर्ब्स को हमेशा डिस्क्राइब कौन करता है एडजेक्टिव डिस्क्राइब करते हैं तो ये इसीलिए आप यहां देख रहे हैं गुड गुड आगे लिखा हुआ है इनके बारे में बात हो रही है इनकी क्वालिटीज बताई जा रही हैं अब दोनों में फर्क क्या है फर्क यह है कि जब भी आप हैजबीन का इस्तेमाल करते हो तो हैजबीन का इस्तेमाल कहां होता है वैसे अगर मैं पूछूं हेल्पिंग वर्ब के तौर पे वो होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वेरिएंट में टेंस के नाम ही देखो बता क्या रहा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मींस व्हाट सम पार्ट ऑफ द टास्क इज डन इज परफेक्ट बट द टास्क इज स्टिल कॉन्टिन्यूड वो काम का कुछ हिस्सा पूरा हो चुका है लेकिन काम अभी भी चल रहा है इसका मतलब वो काम एक ड्यूरेशन के लिए है तो जब भी आप किसी का स्टेट एक ड्यूरेशन के लिए बताते हैं तो वहां है उसके अकॉर्डिंग आप चूज कर लोगे वहां पे ठीक है तो अमिताभ बच्चन हैज बीन एक्टिंग अब देखो मैंने क्या बोला अमिताभ बच्चन बीन एक्टिंग फॉर ओवर फाइव डेकेट राइट पांच दशक से भी ज्यादा हो गए पचास साल से ऊपर हो गया तो वहां पे एक ड्यूरेशन की तरफ इशारा है तो जब हम इज का या आर का इस्तेमाल करते हैं तो दैट इज मोर ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट उस मोमेंट का हाल चाल है जैसे जब आप किसी को पूछते हो हाउ आर यू डेली बेसिस पे आप ऑफिस जाते हैं मिलते हैं किसी को एक नॉर्मल कर्ट सी है हाउ आर यू ये पूछ लेते हैं क्या हाल चाल सो वी आर टॉकिंग अबाउट दैट मोमेंट बट सपोज अब वही बात कि कोई आपका जान पहचान का कोई कजन भाई दोस्त देश के बाहर रहा छह महीने एक साल दो साल और उसके बाद वो घर वापसी कर रहा है देश में वापस आ रहा है आपसे मुलाकात हो रही है तब सही तरीका उसका हालचाल पूछने का क्या होगा ये जो नीचे वाला सेंटेंस है हाउ हैव यू बीन बिकॉज नाउ यू आर आस्किंग अबाउट द हाल चाल आप दो टू ईर्स या छह महीनों की बात कर रहे हैं दो साल की बात कर रहे हैं तो यहां पे फोकस जो है आपका वो अब किसके ऊपर है वो ड्यूरेशन के ऊपर है ये कारण होता है इस तरह से जब सवाल पूछे जाते हैं आप देखो जैसे आप आ, किसी होटल में मान लीजिए स्टे करके निकल रहे हैं और आपने कहा तीन दिन का स्टे रहा चार दिन का स्टे उस होटल में रहा जब आप चेकआउट कर रहे होते हो आ, तो होटल मैनेजर हाउ उन्होंने क्या पूछा उन्होंने आपसे पूछा हाउ हैज बीन योर एक्सपीरियंस राइट अब आप इस सवाल का जवाब कैसे दे रहे होते हैं हाउ हैज बीन योर एक्सपीरियंस आप बोलते हैं इट्स बीन इट्स बीन ग्रेट इट्स बीन ग्रेट अब अगेन वही वाली बात कि हम ऐसे अंग्रेजी बोलते सुनते तो हैं बट कई बार ग्रामेटिकली हमें वो कॉन्फिडेंस नहीं आता कि ये कैसे हो गया यू नो बीन के बाद तो वर्ब लग रहा होता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है अगेन द होटल मैनेजर इज आस्किंग अबाउट योर एक्सपीरियंस फॉर दो थ्री डेज वो इंटरेस्टेड है उस ड्यूरेशन में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका कैसा हाल रहा ये जानने के लिए तो इसीलिए उसने हाउ हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ये पूछने के बजाय हाउ हैज बीन योर एक्सपीरियंस ये पूछा वहां पे राइट right? सो so, आपने क्या कहा इट्स बीन ग्रेट आप इसको ओपन करेंगे तो इट्स इसमें क्या छुपा हुआ है अगर मैं मान लो आपको च्वाइस दे दू कि इसमें इज लिखा हुआ है या हैज लिखा हुआ है तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी दिक्कत आपको होने वाली है आपको पता है कि भाई अब आगे बीन लिखा हुआ है तो इस अपॉस्ट्रॉफी इसमें हैज ही छुपा होगा इज नहीं होगा सो इट हैज बीन ग्रेट और अगेन आप देखें हैज बीन के बाद आप क्या लगा देखेंगे दिस इज एडजेक्टिव सो स्टेटिव वर्ब्स आर ऑलवेज मॉडिफाइड और डिस्क्राइब बाई एडजेक्टिव तो आई थिंक दिस वेरी सिंपल कंफ्यूजन वो अब आपका दूर हो चुका होगा ये सर नो बात क्लियर हो गई अब कोई हालचाल पूछे आपको किसी का हालचाल पूछना हो तो ये समझ में आ गया कि स्टेटिव वर्ब होता है इसमें कोई स्पोकन इंग्लिश की चीजें रटने की जरूरत नहीं है देखो इफ योर फंडामेंटल्स ऑफ ऑफ स्पीच ग्रामर इज क्लियर वॉट एवर फीलिंग यू हैव इन योर मदर लैंग्वेज मदर टंग आप आसानी से उसको इंग्लिश में बोल सकते हैं कह सकते हैं कॉन्फिडेंटली बट जानना बड़ा जरूरी है चलिए जी तो ये तो बात हो गई डेफिनेशन की अब अगर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब्स की तो अगेन दैट्स वेरी बिग टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब्स जो है वो कई आधार पर करते हैं ऑन मल्टीपल बेसिस जैसे एक पहला सबसे पहला मैं आपको मौखिक बता देता हूं फिर हम सीधा आ जाएंगे वहां पर जो हमारे एग्जाम्स के लिए जरूरी है तो ज्ञान के लिए जैसे एक क्लासिफिकेशन है रेगुलर वर्ब एंड इेगुलर वर्ब किसे कहते हैं भाई मैं लिख भी देता हूं फटाफट जब ज्ञान ले ही रहे हैं तो ले ही लेते हैं देखो रेगुलर वर्ब ये जो क्लासिफिकेशन है उन वर्ब्स को हम कहते हैं जहां पे सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म ईडी लगा के बनता है लाइक यू हैव प्ले प्लेड प्लेड राइट र फॉर दैट मैटर यू हैव वॉक वॉकड वॉकड तो ये आपको क्या दिख रहा है इन्हें कहा जाता है रेगुलर वर्ब जिनके सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म वर्ब के ईडी लगा के बन जाए फर्स्ट फॉर्म में दे आर कॉल्ड रेगुलर वर्ब्स अब अगर हम बात करें इरेग्युलर वर्ब्स की राइट दिस इज द फर्स्ट क्लासिफिकेशन दिस इज मोर ऑफ अ गन थिंग इट हैज नथिंग टू डू डायरेक्टली विद योर पेपर्स बट ज्ञान ले रहे हैं तो ले लेते हैं में वी पहला क्या है जिसमें तीनों के तीनों फॉर्म सेम होते हैं जैसे आपके पास है अगला इसमें वेरियंट आता है जिसमें तीनों फॉर्म्स अलग अलग होते हैं जैसे गो वेंट गॉन राइट रोट रिटर्न जैसे हमने एग्जाम्पल लिया सो ऑल द्री फॉर्म्स आर डिफरेंट ऑल द्री फॉर्म्स आर सेम एंड नाउ दर्ड टाइप इज वॉट वेर द लेटर टू आर सेम For example, buy, then you have bought, bought and bought, right? So yahan pe आप क्या देखते हैं कि बाद वाले दोनों यानी second and third form same होते हैं but उनको हम ed laga ke नहीं लिखते right? So ये क्या हो गया ये तीन variants हो गए irregular के तो आपको क्लियर है रेगुलर verbs जिसमें uh, second एंड थर्ड फॉर्म ईडी लगा के बने एंड इन इरेगुलर वी हैव थ्री डिफरेंट टाइप्स

अब हम इसमें भी ये देखेंगे कि हमारे लिए एग्जाम्स में इनसे सवाल कैसे पूछे जाते हैं तो आज की क्लास में मैं फोकस करूंगा जितना टाइम है हमारे पास हो सकता है नेक्स्ट सेशन में भी चला जाए आज हम मेन वर्ब की पहले बात करेंगे कि व्हाट इज द रोल ऑफ मेन वर्ब एज फार एज योर कॉम्पिटेटिव एप्टीट्यूड एग्जाम्स आर कंसर्न सो ये इनका क्या रोल है इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं देखिए जब हम मेन वर्ब की बात कर रहे हैं तो वी हैवी वन टू वी थ्री वी वन प्लस आई एन जी एंड फर्स्ट फॉर्म में एस सी एस लगाना इतने तरीके से हम मेन वर्ब्स को यूज करते हैं अब हेल्पिंग वोब्स हम आगे डिस्कस करेंगे अभी क्योंकि लिख दिया है मैंने तो मैं बता यहां पर बस इंट्रोडक्शन कर देता हूं एक हमारे पास आ जाता है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स या प्राइमरी ऑग्जिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं एवी लिख देता हूं और दूसरी कैटेगरी होती है मॉडल्स की सो वी विल डिस्कस दीज हेल्पिंग वर्ब्स या उनकी जो क्लासिफिकेशन है फर्दर कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब क्या होता है उनका क्या रोल है मॉडल्स भी क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है वो कैसे इनसे अलग हैं फिर मॉडल्स में भी है पार्शियल मॉडल्स हमारे पास केसेज आ जाते हैं यूज्ड टू के डेयर के नीड के वो मॉडल होने के साथ कुछ और रोल निभाते हैं कब निभाते हैं कैसे निभाते हैं तो ये सारी बातें अगले चरण में होंगी इन टूडे सेशन नाउ वी आर एप्सोल्यूटली कंफर्टेबल इन स्टार्टिंग विद मेन वर्ब्स डिस्कशन तो आइए सीधा मैं आपसे ज्ञान लेता हूं भाई वो का इस्तेमाल हम कहां पे करते हैं कौन से टेंस में करते हैं मैंने वही कहा वो का रास्ता कर रहा होता है तो आपको पता है साथ यूज करते हैं हम जी कहां पर यूज हो रहा होता है आई के साथ वी के साथ दे के साथ और यू के साथ अगर हम प्रोनाउन की बात करें और अगर नाउन की बात करें तो जो भी आपका नाउन प्लूरल होगा उसके साथ आप हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे होंगे सो दिस इज द यूसेस पार्ट ऑफ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब राइट आई वी दे यू इनके साथ आप यूज करते हो फिर वी टू कहा यूज करते हैं वी टू का इस्तेमाल सिर्फ एक टेंस में एक टेंस में होता है दैट इज पास डेफिनेट सो यू डू नो वट एवर द सब्जेक्ट इज यू विल ऑलवेज गो विद द फॉर्म ऑफ द वर्ब इन पास्ट एंड डेफिनेट राइट इर रेस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट यानी कोई भी सब्जेक्ट हो नाउन सिंगुलर हो प्लूरल हो या कोई भी प्रोन हो सिंगुलर प्लूरल फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन कोई फर्क नहीं पड़ता पास्ट डेफिनेट में हमेशा सेकेंड फॉर्म लगती है और ये टेंस है आपका सेकेंड फॉर्म के लिए आप बात करें अगर थर्ड फॉर्म की ये कहां पर यूज करते हैं हम थर्ड फॉर्म परफेक्ट जो वेरियंट है यानी परफेक्ट टेंस ऑफ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर तीनों ही टेंस के परफेक्ट वेरिएंट में आप यूज कर रहे होते हैं मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और कहां पे थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है सभी ने पढ़ा होगा इसका इस्तेमाल हम करते हैं और पैसे वॉयस के अंदर यू राइट एनी सेंटेंस इन पैसे वॉयस वॉट एवर द टेंस इज द मेन वो विल ऑलवेज बी रिटर्न इन थर्ड फॉर्म राइट ही राइट अ ब्लॉग अ ब्लॉग इज रिटर्न इज रिटर्न आप देख रहे हो दैट इज थर्ड फॉर्म He रोट अ ब्लॉग अ ब्लॉग वॉज रिटर्न बाय हिम तो कोई भी टेंस का एग्जाम्पल आप लेंगे uh, he will, write a blog. A blog will be written by him. So whatever the tense is, present, past, future, कोई भी variant हो उसका पैसे voice में मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है तो so, वो बहुत क्लैरिटी से नजर आ रहा है कि क्या यूसेज हैं हमारे मेन वर्ब के वो कहां इस्तेमाल किए जाते हैं अब हम चलते हैं अगले पड़ाव पे और यहां क्या नजर आएगा आपको V1 राइट ये बहुत इंटरेस्टिंग एंटिटी है और बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज करती है बिकॉज ये मल्टीपल रोल्स में इस्तेमाल होती है अगेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगा करके आप नाउन का रोल भी निभा रहे होते हैं जिसे हम जिरंड कहते हैं जब आप कहते हो कि स्विमिंग इज माई हॉबी इन दैट प्लेस स्विमिंग दैट इज जिरंड इज एक्टिंग एज नाउन बिकॉज दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इफ यू से आई लाइक स्विमिंग Here, like is the main verb. Swimming is not the verb. Swimming is ziran and that is acting as an object of the main verb like. If someone asks you, "What do you like?", then the answer is, "I like swimming." So, V1 plus ing is acting as a noun as well. Jab mm -hmm. he is swimming. Waha main verb hai. Or V1 plus ing can act as an adjective as well, and we have multiple examples daily basis pe use Breaking news, breaking this what that is adjective, right? बर्निंग ट्रेन जलती हुई ट्रेन हैंगिंग गार्डन दिस इज वॉट हर जगह पर वी एन प्लस आई एनजी आप सिंपली कहें देट वॉज एन एक्साइटिंग मूवी दैट वॉज ए बोरिंग क्लास यू नो सो एक्साइटिंग बोरिंग दिस इज वॉट दिस इज नथिंग बट दी एन प्लस आई एनजी बट दैट डिसाइड की भाई उसका रोल किस तरीके का है? उसकी पोजिशनिंग डिसाइड करता है तो एनी वे हम यहां पर अभी वॉब की बात कर रहे हैं हम जिरण्ड और उधर एडजेक्टिव में नहीं जा रहे तो वर्ब के तौर पे ये यूज होता है कॉन्टिन्यूअस टेंसेस के अंदर ये नो आपको पता है कॉन्टिन्यूस एंड कहां कॉन्टिन्यूअस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यस कॉन्टिन्यूअस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ऑफ ऑल द थ्री टेंसेज चाहे प्रेजेंट है पास्ट है या फ्यूचर है आप किसी भी टेंस में अगर जा रहे हैं तो वो में हम इस्तेमाल करने वाले हैं वी वन प्लस आई एन जी का ही ठीक है वो लिख रहा है ही इज राइटिंग अ ब्लॉग ही वॉज राइटिंग अ ब्लॉग ही विल बी राइटिंग अ ब्लॉग

जो बचे हुए हैं आपके पास थर्ड पर्सन में ही है शी है इट है या कोई नाउन जो कि सिंगुलर हो सिंगुलर नाउन के साथ आप वर्ब में एस सी एस लगाते हो सो दिस इज द फंक्शनैलिटी ऑफ ऑल द मेन वर्ब्स इन जनरल बिकॉज वी नीड टू फोकस ऑन द फंक्शनैलिटी नो बडी इज गोइंग टू आस्क यू द डेफिनेशन और यूसेज ऑफ दीज काइंड ऑफ स्टफ इन एनी ऑफ द कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स राइट चलिए जी अब देखते हैं तो ज्ञान की बात हो गई जस्ट एक ब्रशअप हो गया नाउ वी विल लुक एट दो हमें होती है कंफ्यूजन सो लेट मी गिव यू कपल ऑफ ओवर हियर एंड दैट विल हेल्प यू आउट टू अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ चैलेंज वी फेस इन एग्जामिनेशन पहला सेंटेंस है जैसे मैं यहां पर अगर ये सेंटेंस लिखू कि शी हैज प्रूव्ड Oblic proven, she has proved or proven this concept, right? And now you have A and B in choice. Which particular word will you go with? Proved or proven? What do you say? What is the doubt, Siddharth, you have? सिद्धार्थ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द इफिटिव एंड जिरण एट दिस मोमेंट इफ आई एम गोइंग टू डिस्कस दोंग्स वी विल बी डिटेड फ्रॉम वॉट एवर वी आर डिस्कसिंग एज ऑफ नाव सो वी विल डेफिनेटली टैकल दैट आगे बढ़ने दो तो थोड़ी सी क्लास हम जरूर इसके बारे में बात करेंगे वी विल टॉक अबाउट नॉन फाइनाइट वर्ब्स इन अ डिटेल मैनर डोंट वरी अभी क्योंकि आपको पता न क्लास पूरी चल रही है तो डिविएशन हो जाएगा पूरा का पूरा Uh, यहां पे किसके साथ जा रहे हैं आप ए और बी जब आप डेफिनेटली मिक्सड आते हैं कई बार तो यहां पे शी हैज प्रूफ दिस कॉन्सेप्ट बट अगर वहीं पे सेंटेंस लिखा जाए कि दिस इज ऑब्लिक प्रूवन और फिर यहां पे शब्द में लिखूं फैक्ट तो अब आपको किसके साथ जाना होगा अब आपको जाना होगा प्रूव इन फैक्ट

क्योंकि जैसे अभी हमने देखा कि वर्ब में आईएनजी लगा के हम बेधड़क एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल करते हैं वैसे ही हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी इस्तेमाल एडजेक्टिव के तौर पर करते हैं हाँ या ना हाँ या ना करते हैं या नहीं करते हैं जैसे मैं एक सेंटेंस यहां पे लिखूं कि यू नो ही हैज वेरीफाइड योर डिटेल्स right he has verified your details and he has a he has a verified profile on social media that's blue hai now look at these two sentences what do you find over here

It is 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 adjective Adjective and and again same story. Adjective plus noun 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 phrase phrase. article is placed before a So So we use the verified profile. So what you find over here, बहुत सारे हमारे पास ऐसे वर्ब हैं जिनकी थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हम मेन वर्ब के तौर पे भी करते हैं और उसी थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हम एडजेक्टिव के तौर पे भी करते हैं और बहुत सारे ऐसे वर्ब्स हैं वी हैव लॉट ऑफ वर्ब्स राइट जहां पे हम थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल जो है वो सेम स्पेलिंग के साथ मेन वर्ब और एडजेक्टिव दोनों तौर तो पे करते हैं कैन यू गिव मी कपल ऑफ एग्जांपल्स इन द कमेंट सेक्शन विथ सम मोर वर्ब्स जैसे आप देखो अगर ये कहा जाए कि अगर किसी ने ये कहा आपको कि यू हैव ब्रोकन माय हार्ट यू हैव ब्रोकन माय हार्ट तुमने मेरा दिल तोड़ दिया है राइट एंड ही हैज द ब्रोकन हार्ट He has a broken heart in his body. <laughs> what you find over here? Broken is MV, that is main verb, and have is helping verb over here. But in the second sentence, now the broken is being used as an adjective because heart is noun, and again the same story adjective plus noun is noun phrase, and article is placed before that.

His answer his answer has confused me. His answer has confused me, right? And he is a confused person. He is a confused person. What do you find over here? Again, your ans his answer has confused me. His answer is noun phrase subject.

बट जैसे मैंने कहा कि हमें एक्सेप्शन का ध्यान रखना है हमें उन वर्ब्स को जानने की जरूरत है जिनमें थर्ड फॉर्म वर्ब के लिए अलग शब्द है और एडजेक्टिव के लिए अलग शब्द है तो एक तो ये एरिया है जहां पे हमें किया जाएगा कंफ्यूज राइट आइए जरा कुछ वर्ड्स लिखने की यहां पे कोशिश करते हैं

फ्यूजिंग वो पेयर्स राइट ये हमारा अगला एरिया है मेन वोब में जहां हमें सवाल पूछे जाते हैं तो कंफ्यूजिंग वो पेयर्स में क्या कहना चाह रहा हूं मैं इसके जरिए अब जैसे मान लो उन्होंने एक सेंटेंस लिखा इस तरीके से शी वॉज बॉर्न बहुत बेसिक वर्ड है बॉर्न इन अ रिच फैमिली The little child was slewed, oblique, slain to death. महामना मदन मोहन मालवीय फाउंड आर फाउंडेड द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी राइट सो अब यहां पे क्या देख रहे हो तीन एग्जाम्पल से वहां से बात आपको समझ में आ जाएगी कि कई बार ये वाले वर्ब्स हमें कंफ्यूज करते हैं कि हम किसके साथ जाएं क्या यूज करना है यहां पे ठीक है तो कमेंट में आप लिख रहे हैं खुशी उसको अपडेट करना पड़ेगा जब आप ऐप खोलेंगे ना तो वहां पे अपडेट का ऑप्शन आएगा उस पर अपडेट करोगे तो फिर से दोबारा आपको सारी क्लासेस दिखाई देंगी करियर ऐप पे ठीक है अदरवाइज वहां पे कोई दिक्कत नहीं हो तो कॉमन सेंस वाली बात है ना वो अपडेट अपने आप दिख जाता है आप ऐप खोलोगे अपडेट पे जाओगे तो फिर आप आसानी से एक्सेस कर पाओगे अब देखो यहां पे पहले वाले में भी आपको पता है यहां पे हम बॉर्न के साथ जाने वाले हैं इसमें कुछ है क्लैरिटी आपको <laughs> तो ये मिलते जुलते ये कंफ्यूजिंग वो पेयर थे जो हमें परेशान करते हैं मेन वर्ब के तौर पर यहां हम फाउंडेड के साथ जाएंगे और यहां स्लेन टू डेथ के साथ जाएंगे ठीक है अब मैं अगर बात करूं कौन से ये वो पेयर्स थे तो देखो आप बियर वो की फर्स्ट फॉर्म है बियर बोर बोर्न ठीक है और अगेन बियर बोर बोर्न और जो दूसरा वाला है वहां पे एन के बाद एक, एक एक्स्ट्रा ई -E लग जाएगा तो जो पहला बियर है वो किसके लिए वो पैदाइश के लिए वो जन्म के लिए है सेकेंड फॉर्म बोर और थर्ड फॉर्म बोर्न लेकिन जहां एक्स्ट्रा ई -E आपको दिख रहा है यहां पर बियर का मतलब क्या होता है यहां पे मतलब हो जाता है बर्दाश्त करना झेलना ढोना सहना जैसे किसी को अगर यू नो अनबेरेबल पेन हो रहा है अनबेरेबल यानी जिसको वो बेर नहीं कर सकता जिसको बर्दाश्त नहीं कर सकता तो जब ढोने सहने और बर्दाश्त करने का सेंस है उस सेंटेंस में देन आप बीओ आर एन ई के साथ जाओगे जब वहां थर्ड फॉर्म की जरूरत है तो, तो यहां पे आपको होती है कंफ्यूजन अगला जैसे मैंने केस दिया था आपको दैट इज वॉट स्ले slew, स्लेन बट स्ल्यू जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो second एंड थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है स्ल्यूड एंड slewed, राइट slewed. Right. तो स्ले का मतलब होता है किसी की गला रेतकर हत्या करना स्लेन टू डेथ जैसे किसी की गला रेतकर हत्या कर दी गई स्लेन टू डेथ ये एक्सप्रेशन यूज होता है लेकिन अब आप देखो स्ल्यू वर्ब की second फॉर्म है इसके लिए वही स्ल्यू यहां फर्स्ट फॉर्म हो गई तो ये, जब स्ल्यू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तब इसका मतलब होता है सडन और वायलेंट टर्न ऑफ अ व्हीकल जैसे आप कोई गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं अचानक कोई पत्थर आ जाए कोई जानवर आ जाए सामने और आपकी गाड़ी को आपको अचानक से टर्न करना पड़े सडन एंड वायलेंट टर्न है चू चा की आवाज आ रही टायरों से तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप स्ल्यू का इस्तेमाल करते हैं तीसरा मैंने कहां से दिया था भाई देखो फाइंड का मतलब क्या होता है पाना तो सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म क्या है फाउंड एंड फाउंड

ऐसा नहीं कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कहीं खो गई थी और महामना जी ने उसको पा लिया सो दिस दिस इज द सेकेंड एरिया जहां पे वो आपको सवाल पूछ सकते हैं तो मेन वर्ब में ये दोनों एरिया जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं जहां से आपको क्वेश्चन मिलेंगे और अगले सेशन में मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं यहां से आपको दूं कुछ क्वेश्चंस आइए कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं कंफ्यूजिंग वर्ब पेयर के जैसे आपके पास है सी सी सीन सभी को पता है फर्स्ट फॉर्म जब होती है मतलब लकड़ी को काटना या चीरना होता है एंड देख एंड थर्ड फॉर्म इज दौर पर देखा था तो यह आपके बस इंपॉर्टेंट वन है कई बार इसमें भी कंफ्यूजन होती है फॉल का मतलब सभी को पता है फॉल फेल फॉल इन राइट लेकिन फेल जब वोब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो फिर दिक्कत हो जाती है कि ये कौन सा वर्ड है तो फॉल का मतलब गिरना है और फेल का मतलब गिराना है जैसे कहा जाए ट्रीज वर फेल्ड यानी पेड़ों को काट के गिरा दिया गया राइट तो ये आपको ध्यान में रखना है इसी को हम क्या कहते हैं कंफ्यूजिंग वर्ब पेयर्स या जैसे आपके पास आ जाता है राइज रोज रिजन राइज रोज रिजन लेकिन वहीं पे जब रेज वब की फर्स्ट फॉर्म है तो इन सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म रेज एंड रेजड हो जाता है अब मान लो कोई कह रोज का मतलब गुलाब होता है भाई गुलाब जब है वो नाउन है यहां ये सेकेंड फॉर्म है राइट और फिर आपके पास शब्द आ जाता है रेज 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 का मतलब होता है किसी चीज को पूरी तरीके से तबाह कर देना नेस्तनाबूद कर देना तो आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं ट टू नोट इट डाउन यू कैन डू दैट कुछ और एग्जाम्पल्स बता सकते हैं इस बीच में कॉमेंट सेक्शन के अंदर आगे भी नोट कर लेते हैं हो गया नोट लाई ले लेन ये भी बहुत कंफ्यूज किया जाता है और लाई लाइड एंड तो जब हम एंड थर्ड फॉर्म लाइड यूज कर रहे होते हैं यहां झूठ बोलने का सेंस है जबकि यहां पे कहीं लेटने या बैठने का सेंस होता है और ले का सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म होता है लेड एंड लेड जब किसी और चीज को आप कहीं से उठा के कहीं और रखते हो तो वहां पे हम ले का इस्तेमाल करते हैं ले ऑलवेज टेक्स एन ऑब्जेक्ट राइट तो आप खुद भी देखो ले सेकेंड फॉर्म भी है लाई like का इंट्रांसिटिव वर्ब है ये और यहां पे ले फर्स्ट फॉर्म है तो अगेन इसका ध्यान रखना है जब नेक्स्ट क्लास में हम सेंटेंसेस करेंगे चलिए अगला है आपके पास ग्राइंड ग्राइंड का मतलब पीसना होता है सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म ग्राउंड और वहीं ग्राउंड जब फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है देन वी हैव सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म लाइक ग्राउंडेड एंड ग्राउंडेड कई तरीकों से यह ग्राउंडेड इस्तेमाल होता है कोई क्रिमिनल uh, है वह भी ग्राउंडेड हो जाता है प्लेन ग्राउंडेड हो गया जमी दोज हो गया राइट right? uh, इसी तरीके से अभी हमने देखा था पाइंड uh, फाइंड uh, का ऑपोजिट उधर पाना था तो यहां पर खोना हो जाएगा और खोने के लिए एल ओ एसी लूज लॉस्ट लॉस्ट राइट एंड एल डबल ओ एस लूज एंड लूज्ड तो एक खोना है और दूसरा किसी चीज को लूज करना है ढीला करना है राइट right. इसी तरीके से आप देखो ये होमोग्राफ में ये एग्जांपल्स आते हैं जैसे वाइंड वाउंड एंड वाउंड होमोग्राफ जहां आप लिखते तो एक जैसे हो पर प्रोनाउंसिएशन अलग होती है इसको आप विंड बोलेंगे तो ये नाउन बन जाता है। wind is verb, and इसी wound को जब इधर ये फर्स्ट फॉर्म बनेगा अब इसकी pronunciation wound हो जाती है। and wound का मतलब घायल होना या करना और यहीं से हमारे पास शब्द आता है घायल ठीक है? सो वेड वाइंड वाउंड वाइंड का मतलब वाइंड अप करना लपेटना किसी चीज को किसी का किसी चीज का एक साइकिल जो है वो कंप्लीट करना ठीक है इसी तरीके से आपके पास आ जाता है ये बिड ये भी बड़ा पूछा जाता है खासतौर से आपको ये बेयर इन्फिनेटिव केसेस में कई बार अच्छे क्वेश्चंस मिलते हैं यहां पे बिड बेड बिडन बिड बेड बिडन और दूसरे केस में बिड के तीनों फॉर्म सेम होते हैं तो जब तीनों फॉर्म सेम है तो यहां पे मतलब है जैसे होता है ना बिडिंग प्रोसेस किसी चीज को अलाउ करना सॉरी अलाउ करना ऊपर वाला है बिड बेड बिडन टू अलाउ समथिंग और नीचे वाला जो है वो बिडिंग प्रोसेस है बोली लगाना जैसे अभी आपने आईपीएल में बिडिंग देखी राइट right? सो so, जब बेड और बिडन है है तब सेंस होता टू टू अलाउ सो रीड आउट द द सेंटेंस ट्राई गेट कॉन्टेक्स्ट एंड ऑन दैट बेसिस यू डिसाइड और कौन सा रह गया हमारे पास इंपॉर्टेंट वन फ्लाई है जैसे हैंग है हां जी ये सारे अब हैंग देखो आप तो हैंग hang, हैंड और हैंग्ड होता है कब जब कहीं भी फांसी लगाने की बात होती है कहीं लटक करके किसी ने फांसी लगा ली ही हैंगड हिमसेल्फ सुसाइड के सेंस में लेकिन वैसे कोई चीज आपने अगर कहीं पे लटका रखी है टांग रखी है तब आप क्या यूज करोगे तब सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म क्या होगा हां जी बताएंगे आप तब सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म क्या होता है ये बहुत कॉमनली लोग गलत करते हैं इसे कई बार हंग होता है बिल्कुल ये हंग होता है हैंग हंग हंग तो ध्यान रखिए कहीं पे कोई बैनर आपने लटकाया हुआ है कोई कैलेंडर है तो वहां पे आप हंग का इस्तेमाल करोगे हैंग्ड का यूज वहां पे आप नहीं करोगे ठीक है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जो आपको ध्यान में रखने हैं जैसे फ्लाई भी कई बार फ्लाई फ्लू फ्लोन फ्लो फ्लोट फ्लोट ये ध्यान में आपको रखना होता है एक उठना है दूसरा बहना है और अब बात कर लेते हैं जो दूसरा एरिया हमने देखा था अभी कंफ्यूजिंग जो जहां पे थर्ड फॉर्म और एडजेक्टिव के लिए अलग शब्द हैं उन्हें भी नोट कर लीजिए जैसे पहला हमने इस तरह से कॉलम बना लेते हैं वी वन वी टू वी थ्री एंड एडजेक्टिव के लिए ठीक है एग्जाम्पल लिख लो आप सबसे पहले जो एग्जाम्पल हमने लिया था कि भाई प्रूफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म प्रूव्ड हो गया एंड इफ यू नीड एन एडजेक्टिव तो वहां पर आप प्रूफ यूज नहीं कर सकते वहां पर हमारे पास शब्द आ जाता है प्रूव इन इसी तरीके से मेल्ट है एंड right? इधर क्या आ जाएगा मोल्टन मोल्टन लावा जैसे आप पढ़ते सुनते हो राइट right? uh, उसी तरीके से अभी जैसे हमने देखा सो वाला एग्जाम्पल की सौ ड और सॉर्ड था यह लकड़ी काटने या चीरने के लिए है लेकिन मान लीजिए लकड़ी काट के चीर के आपने किनारे रखा हुआ है सो so वहां पर यूलिंग सॉन सो सॉन विल बी यूज एज एन एब्जेक्टिव राइट सो वो आपको वहां पर देखना होगा इसी तरीके से लर्न में बहुत बार लोग कंफ्यूज होते हैं लर्नट और लर्नेड तो ये बात ध्यान में रखिए लर्नट लर्नट जो है दिस इज वर्ड दिस इज वर्ब ये वर्ब के फॉर्म है और अगर आपको बताना कोई बड़ा विद्वान इंसान है तो लर्निड मैन वहां पे हम यूज करेंगे राइट ही इज अ मैन मैन नहीं ऐसा ना हो कि आप वर्ब के लिए लर्नेड लगाओ और एडजेक्टिव के लिए आप लर्न लगा रहे हो तो इस बात का ध्यान रखना है Think. ये कंफ्यूजिंग वर्ब में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है लिविंग नॉन लिविंग वाला कॉन्सेप्ट तो सिंक एंड संक ये तो वॉब के फॉर्म हो गए लेकिन डूबी हुई नाव है कहीं तो वहां पे संकिन बोट हो जाती है राइट संकिन सो इसका ध्यान में रखना है आपको अगर एडजेक्टिव के तौर पे चाहिए विल बी यूजिंग right, इसी तरीके से शेव है जो तो भाई शेव जानते ही हो क्या होता है शेविंग करना तो शेव्ड एंड शेव्ड ये एडजेक्टिव हो गया ये वोब हो गया और वहीं पे शेवन फेस यानी शेव किया हुआ फेस तो एडजेक्टिव के लिए आप यहां पे शेवन का इस्तेमाल करोगे ठीक है इसी तरीके से लोड जो शब्द है कई बार सुना होगा आपने लोड लोडेड लोडेड और एडजेक्टिव के तौर पे आपके पास आ जाता है लेडन लेडन ट्रक लदा हुआ अब लोडेड भी इस्तेमाल हो जाता है एडजेक्टिव के लिए और लेडेन भी उसकी बात करेंगे हम क्वेश्चन में आप भी ढूंढ के आइएगा कि भाई ये कहां यूज होता है कैसे यूज होता है कुछ और केसेस देख लेते हैं ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक drunken Drink, drank, drunk, drunken. So, if you need an adjective, you strike, struck, struck, and stricken. Right? This a grief-stricken family. Strike, stricken. शेयर बड़ा प्यारा शब्द है ये भी शेयर कंफ्यूजिंग वर्ड में भी आता है एस एच डबल ई आर शेयर इज वजह से हम कहते हैं दिस इज बट द शेयर स्टूपिडिटी ये कुछ और नहीं निरा बेवकूफी है दैट इज एस एच डबल ई आर दैट इज अटरली आर कंप्लीटली एंड हियर द शेयर इज वॉट इट्स वर्ब जैसे जब भेड़ की खाल से आप वूल उतारते हैं दैट इज कॉल्ड शेयरिंग सो यहां पे सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म आपका शियर्ड हो जाता है एंड यहां पे शॉर्न शीप अब मान लीजिए आपने उस भेड़ की खाल से वूल निकाल लिया है अब उस भेड़ को डिस्क्राइब करना है तो उसके लिए एडजेक्टिव आप शॉर्न का इस्तेमाल करोगे आ, इसी तरी, तरीके से मान लीजिए कपड़े की क्वालिटी अच्छी नहीं है धुलने के बाद वो सिकुड़ गया तो श्रिंक श्रैंक एंड श्रंक बट ओवर हियर इट इज

पाथ इज नाउन एंड ट्रॉडन इज वॉट एडजेक्टिव यानी वो रास्ता बहुत सारे लोग न चले होंगे so ध्यान में रखना है राइट right? तो ये एड्जेक्टिव के तौर पर अलग शब्द हमारे पास आ जाते हैं इवन जैसे फॉर गॉटेन हीरो सीरीज एज वेल तो फॉरगॉटन का इस्तेमाल भी आप एड्जेक्टिव के तौर पर कर लेते हो सो दीज आर दू एरिया फ्रॉम मेन वर्ब सेक्शन जहां से आपके लिए अच्छा क्वेश्चन बन सकता है देखो यू नीड टू पुट इन इन द द स्पेस ऑफ एग्जामिनर इफ यू डू नो चैप्टर इट्स आर यूर से अब ये कंफ्यूजन पॉसिबल वाला ये एरिया है मतलब जहां पे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं सही वो फॉर्म नहीं चूज कर रहे गाड़ी तुक्के पे चल रही उनको लगता कहीं देखा तो है इसका क्या मतलब है तो मैं सीधा वहीं पे मैंने हिट किया है स्टार्टिंग से आज वॉप को हमने बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ा तो ये कंटिन्यूटी मेंटेन रखिए ठीक है थीके? और अपडेट हो गया सिद्दीकी साहब का चलिए बहुत अच्छी बात किसने मदद की खुशी ने मदद की चलिए थैंक यू थैंक यू यूरवान सो so, आज के लिए इतना ही अभी भी तबियत मेरी थोड़ी नासाज थी बट आज मैंने फिर भी क्लासेस ली हैं तो अब मुलाकात करेंगे हम मंडे को और फिर इसके आगे प्रोसीड करेंगे मेन वॉब का एरिया आपने देख लिया आ, इन पे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं या अगर आप कहेंगे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए तो अगली क्लास में हम हेल्पिंग वर्ब्स के एरियाज की बात कर लेंगे ठीक है वहां पे प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब मॉडल्स राइट सो दैट्स ऑल थैंक यू वेरी मच प्लीज डू शेयर दिस सेशन विद लॉट्स ऑफ पीपल शेयर इनको जरूर शेयर करें आप बहुत सारे लोगों को इन एरियाज में कंफ्यूजन रहती है बिल्कुल सपना फॉरगेट फॉरगॉट फॉरगॉट एंड फॉर गॉट थैंक यू थैंक यू एवरी वन दैट्स ऑल थैंक यू रजत खुशी बाय बाय टेक केयर Have a great weekend. Thank you. Thank you, everyone.